गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ आर फार्माकोलॉजी क्लास इन विच वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक विच वी स्टार्टेड इन आर यस्टरडे क्लास. हमने जो यस्टरडे को स्टार्ट किया था कि ड्रग्स एक्टिंग ऑन ANS, ये ड्रग्स हमने स्टार्ट करी थी. उसके अंदर हमने ANS पूरा अच्छे से पढ़ लिया था. ANS के बाद हम लोगों ने उन ड्रग्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा था. वो ड्रग्स थी कॉलिनर्जिक सिस्टम, हमने कॉलिनर्जिक सिस्टम स्टार्ट किया था ना, तो कॉलिनर्जिक एजेंट्स जो है वो हमने स्टार्ट कर लिए थे और उसको पढ़ने हम लग चुके थे. क्लासिफिकेशन हम लोगों ने उसका पढ़ लिया था, अब हमें उसे ही आगे पढ़ना है. तो देखिए, हमने कल क्लासिफिकेशन जब पढ़ा था कॉलिनर्जिक एगोनिस्ट का, तो हमने उसमें पढ़ा था कि ये डायरेक्टली एक्टिंग और इनडायरेक्टली एक्टिंग दो तरह से क्लासिफाई हुए थे. तो हम आज जो है वो डायरेक्टली एक्टिंग कॉलिनर्जिक एगोनिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं. डायरेक्टली एक्टिंग एगोनिस्ट जो सबसे पहला था वो था एस्टाइल कोलीन, ACH, है ना. कल मैंने आपको बताया था ACH एक मेजर न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमीटर है ऑटोनॉमिक सोमैटिक और सेंट्रल साइट का. एस्टाइल कोलीन जो है वो मस्कारिनिक और निकोटिनिक इफेक्ट, दोनों इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. इन दोनों रिसेप्टर्स पे ये बाइंड होता है, इफेक्टर सेल्स पर जो रिसेप्टर्स पाए जा रहे होते हैं. हमने कल पढ़ा था, रिसेप्टर्स भी मैंने आपको बताए थे कि कॉलिनर्जिक सिस्टम के अंदर दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं. मस्कारिनिक रिसेप्टर्स जो कि हार्ट, स्मूथ मसल्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और CNS में पाए जाते हैं, जबकि निकोटिनिक स्ट्रक्चर रिसेप्टर जिसको अपन N से डिनोट करते हैं, ये आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे और एड्रिनल मेड्यूला पे पाए जाते हैं. ये कल मैंने आपको बताया था. तो एस्टाइल कोलीन जो है वो इन्हीं दोनों पर अपना इफेक्ट दिखा रहा होता है. अब इन दोनों पर वो अपना इफेक्ट कैसे दिखा रहा है, तो हमने जितने भी कल नाम लिए उन सारे नामों के ऊपर ये कैसे कैसे एक्शन दिखा रहा है वो हम आज पढ़ रहे हैं. जब सबसे पहले मस्कारिनिक एक्शन जो है, जब ये एस्टाइल कोलीन दिखाता है तो ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर क्या मस्कारिनिक एक्शन दिखा रहा है, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ये हार्ट और ब्लड वेसल्स दो के ऊपर अपना असर दिखाता है. हार्ट पे क्या करता है ये कि ACH का इफेक्ट जो है वो वेगल स्टिम्युलेशन के जैसे होता है. ये कार्डियक डिप्रेसेंट की तरह काम कर रहा होता है. अभी अपन इसका डायग्राम के अंदर देखेंगे. ये लाइन आप देख लीजिए कि हार्ट में जो ACH का इफेक्ट है वो वेगल स्टिम्युलेशन के जैसा होता है, ये कार्डियक डिप्रेसेंट होता है, जबकि ब्लड वेसल्स के अंदर ये वैसोडाइलेशन कॉज करता है जिससे कि BP फॉल हो जाएगा, क्योंकि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन से BP हाई होता है और वैसोडाइलेशन से BP लो हो जाता है. तो ACH BP को लो करता है और हार्ट में ये वेगल स्टिमुलेशन देता है जिससे कार्डियक डिप्रेशन हो जाता है. ये आप डायग्राम में देख सकते हैं. ये हार्ट है, ACH आया, ये हार्ट रेट को कम कर देता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कम कर देता है और एंटीरियो वेंट्रिकुलर कंडक्शन को भी ये डिक्रीज कर रहा है. मतलब ये नेगेटिव इफेक्ट दिखा रहा है, नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट है, नेगेटिव इनोट्रॉपिक इफेक्ट है, नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट ये अपना दिखा रहा होता है. ये आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर ACH अपना कैसे असर दिखा रहा है वो इस डायग्राम के अंदर बताया गया है. अब इसके बाद जो है एक चीज़, उससे पहले मैं आपको बता दूं, मस्कारिनिक जो रिसेप्टर्स हैं ये क्योंकि हम मस्कारिनिक रिसेप्टर्स ही पढ़ रहे हैं, ये रिसेप्टर्स जो होते हैं वो सेलेक्टिवली स्टिम्युलेटेड होते हैं मस्कारिन के द्वारा और एट्रोपिन के द्वारा ये ब्लॉक्ड रहते हैं. ये ध्यान रखिएगा, मस्कारिनिक रिसेप्टर्स जो हैं मस्कारिन के द्वारा तो स्टिम्युलेट होते हैं और एट्रोपिन के द्वारा ये ब्लॉक्ड रह रहे होते हैं. इसके बाद ये हार्ट पर कैसे रोल प्ले कर रहा है वो मैंने आपको बता दिया. नेक्स्ट आप देखिए कि कौन सा सिस्टम है, तो नेक्स्ट आएगा आपका स्मूथ मसल. ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है एकदम साफ, स्मूथ मसल्स जो आपके GIT के अंदर पाई जा रही होती है. तो ACH जैसे आपके GIT के ऊपर एक्ट करता है, ये गट की टोन को बढ़ा देता है, पेट के पैरास्टैटिक मूवमेंट को बढ़ा देता है और GI के सिक्रीशन को भी बढ़ा देता है नीचे, जिससे कि वो स्फिंक्टर जो दिखाया गया वो रिलैक्स हो चुका है तो आराम से डीफिकेशन हो सकता है. तो डीफिकेशन का प्रोसेस जो पैरास्टैटिक मूवमेंट जब हमारे पेट के अंदर हो रहा होता है तब ऐसा होता है. इसको कौन करता है? ACH कंडक्ट करता है.
तो डीफिकेशन यानी स्टूल पास होता है, स्फिंक्टर मसल रिलैक्स हो जाएंगे जीआई सिक्रीशन बढ़ने से, पैरास्टाटिक मूवमेंट बढ़ने से और गट की टोन के बढ़ने से, तो स्फिंक्टर मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और डीफिकेशन का प्रोसेस होता है। ये ACH का GI के ऊपर असर है। कार्डियोवैस्कुलर पे क्या था, हार्ट में कार्डियक डिप्रेसेंट की तरह ये काम कर रहा था और ब्लड वेसल के अंदर ये वैसो डायलेटर का काम कर रहा था जिससे कि BP कम हो जाता है, जबकि GI में डीफिकेशन के लिए हेल्पफुल होता है। यूरिनरी ब्लैडर नेक्स्ट आता है। यूरिनरी ब्लैडर किसका नेक्स्ट पार्ट है, स्मूथ मसल्स का, क्योंकि फर्स्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सेकंड अपन ने स्मूथ मसल्स पढ़ा। स्मूथ मसल्स में पहला अपन ने GIT पढ़ा, GIT के बाद हम यूरिनरी ब्लैडर पढ़ रहे हैं। तो ये डेट्रसर जो मसल्स होती हैं आपके अंदर यूरेटर के पास, ये इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और ट्राइगोनल स्फिंक्टर्स को ये रिलैक्स कर देता है, जिससे कि यूरिनेशन का प्रोसेस भी होता है, डिफिकेशन भी हो रहा है ACH की वजह से और यूरिनेशन यानी यूरिन भी इसी से ही पास होगा। ये आपके यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर ये अपना असर इस तरह से दिखाता है कि ब्लैडर पे जो डेट्रसर मसल्स पाई जा रही होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम ये कर रहा होता है। आया समझ में? इसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा, सॉरी यहाँ पर अपन ब्रोंकाई को पहले देखें। तो देखिए ब्रोंकाई के अंदर ये क्या कर रहा है, ब्रोंकाई मतलब अपने लंग वाले पार्ट में जो स्मूथ मसल्स पाई जा रही होती हैं, तो ACH जो है वो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम कर रहा होता है, यानी ब्रोंकोस्पाज़म कॉज करेगा। BP लो किया था इसने हार्ट में और हमारे लंग में ब्रोंकोस्पाज़म यानी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, जिससे कि ट्रेकियो ब्रोंकियल सिक्रीशन बढ़ जाता है। इसलिए जो कॉलर्जिक ड्रग्स होती है कभी भी एस्थमैटिक पेशेंट को नहीं देते भाई, क्योंकि एस्थमा में तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, और अगर आपने ACH जैसी ड्रग आपने दे दी, कॉलर्जिक ड्रग अगर आपने दे दी, तो उसमें सीवियर अटैक आ जाएगा, पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रोंकोस्पाज़म कॉज कर देता है। तो ये इसका एसिटाइल कोलिन का रोल है हमारे ब्रोंकाई के ऊपर। ब्रोंकाई पे इसका रोल ख़त्म हो गया। तो हमने दो पढ़ लिए, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ लिया और हमने स्मूथ मसल पढ़ लिया। इन दो के अलावा हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड, और आई पर भी अपना असर डालता है। कैसे डालता है, देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड जो हैं ये सारी की सारी पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स जो हैं वो स्टिम्युलेट करती हैं हमारे सलाइवरी सीक्रेशन में। एक्सोक्राइन ग्लैंड में मेनली सलाइवरी सीक्रेशन के साथ इनका रोल होता है कि जितनी भी पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स होती है, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स किसको कहते हैं भाई, हम कॉलिनर्जिक एजेंट्स को ही कहते हैं, उसी का ही दूसरा नाम है। उसका तीसरा नाम क्या था, कॉलिनोमाइमेटिक्स एजेंट था उसका नाम तीसरा। तो ये जो एजेंट्स है वो सलाइवरी सिक्रीशन को स्टिम्युलेट करती है। इसके अलावा लैक्राइमल, स्वेट, ब्रोंकियल, गैस्ट्रिक और जितने भी GI सिक्रीशंस हैं, तो ये सभी तरह के एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर अपना असर दिखा करके उनके सिक्रीशंस को बढ़ा देती हैं, आंसू को, पसीने को, ब्रोंकाई के सिक्रीशन को, गैस्ट्रिक के सिक्रीशन को और जितने भी GI सिक्रीशंस हैं उन सभी को ये बढ़ा देती है। नेक्स्ट है आई। आई में क्या है भाई, तो एसिटाइल कोलिन डज नॉट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट ऑन टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज ऑफ इट्स पुअर पेनिट्रेशन थ्रू टिश्यूज़। अगर आप आई में आई ड्रॉप के फॉर्म में अगर आप एसिटाइल कोलिन डाल रहे हैं बाहर से, केवल सरफेस पर अगर आप लगा रहे हैं, तो कोई ख़ास असर ये आई पर नहीं दिखाता है। क्यों नहीं दिखाता रहा होता है ये आई के ऊपर अपना असर, क्योंकि ये उस टिशू के अंदर अच्छे से घुस ही नहीं पाता। तो ये डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है, स्फिंक्टर प्यूपिली दिखाया गया है, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इससे कैसे हो रहे हैं, जुड़े हुए हैं, और ये इसकी स्ट्रक्चर बताई गई है, सीलरी मसल है, कॉर्निया आयरिस है, कैनाल ऑफ स्क्लैम है, ये दिखाई गई है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स और लेंस दिखाए गए हैं। तो ये एक्चुअली घुसता ही नहीं है, तो जब घुस ही नहीं रहा तो कोई ख़ास अपना असर ये दिखा नहीं पाता आई के ऊपर। तो ये हमने आई को भी पढ़ लिया। तो इस आई को जब हमने पढ़ लिया तो ऑलमोस्ट आपका जो मस्कैरेनिक एक्शन है वो ख़त्म हो चुका है। इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं कि जो ACH का एक्शन है जब अपन इसको सिस्टमिक एडमिनिस्टर करते हैं या दूसरे मस्कैरेनिक एगोनिस्ट जो होते हैं आई के ऊपर डाले जा रहे, तो कैसे वर्क करते हैं। एक्चुअली ACH पाइलोकार्पाइन और फिसोस्टिग्मिन
या फाइसोस्टिगमिन के साथ में अगर आप दे रहे हैं, इन तीन चीज़ें अगर ये आप कोई भी दे रहे हैं, तो ये मस्कारिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर जाएंगे, जिससे कि स्फिंक्टर प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिसको आप मायोसिस कहते हैं। स्फिंक्टर प्यूपिल को ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिससे कि एक्वस ह्यूमर बहुत आसानी से ड्रेन हो जाता है कैनाल ऑफ स्क्लम। कैनाल ऑफ स्क्लम का काम यही है, एक्वस ह्यूमर को ड्रेन करना। इसमें वेन्स पाई जाती है, जिससे कि वीनस ड्रेनेज सिस्टम ये बना रहा होता है, जिससे कि आपका जो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर किसी पर्सन को ग्लूकोमा हुआ हो, ग्लूकोमा एक आई का डिसऑर्डर है, तो ग्लूकोमा के अंदर हम जो हैं वो ये ACH या पाइलोकार्पिन देते हैं या फाइसोस्टिगमिन देते हैं, तो वो एक्वस ह्यूमर को आसानी से ड्रेन होने देता है और आपका इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो पर्सन को राहत मिलती है। तो ये आई के साथ इसका रोल। तो इसके बाद आपका ये जो मस्कारिनिक एक्शन है कॉलिनर्जिक एजेंट्स का, वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जो है हमारे को देखना है कौन सा निकोटिनिक एक्शंस कैसे ये दिखा रहा होता है कॉलिनर्जिक एजेंट्स का निकोटिनिक एक्शंस। तो निकोटिनिक एक्शंस को बढ़ाने के लिए हमारे को ACH की लार्ज डोज एक्चुअली देनी पड़ती है। नॉर्मल डोज में ये वर्क नहीं करता, ACH की लार्जर डोज आपको देनी पड़ेगी निकोटिनिक एक्शंस के लिए। निकोटिनिक कहाँ कहाँ पर ये अपना असर दिखाएगा भाई? ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे, स्केलेटल मसल्स पे, CNS पे अपना असर दिखाया। तीन जगह पर इसका रोल होता है। तो देखिए, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में ACH की हाई डोज देनी पड़ती है, ताकि सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक दोनों गैंग्लिया जो हैं वो स्टिमुलेट हो सकें टैकाइकार्डिया के लिए, और BP को राइज करने के लिए ऐसा करना पड़ता है हमारे को, टैकाइकार्डिया हार्ट बीट बढ़ाने के लिए और BP को राइज करने के लिए। अगर इसके अपोजिट एक्शन हुए हुए हैं किसी पर्सन के अंदर, हार्ट बीट कम है, BP लो है, तो उसको बढ़ाने के लिए अपन हायर डोज ACH की देते हैं। अब स्केलेटल मसल्स पे ये कैसे रोल करेगा? हाई कंसंट्रेशन में ACH इनिशियली ट्विचिंग मसल्स के अंदर ट्विचिंग करता है, फैसिक्युलेशन करता है। ये मसल्स का मूवमेंट है, मस्कुलर मूवमेंट्स होते हैं, ट्विचिंग, फैसिक्युलेशन, क्योंकि और इस मूवमेंट की वजह से जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस है वो डीपोलराइज्ड हो जाता है लंबे समय के लिए, और पैरालिसिस हो सकता है, पैरालिसिस कॉज कर देता है। ये स्केलेटल मसल्स के साथ इसका निकोटिनिक एक्शन होता है, क्योंकि निकोटिनिक हमें तो एक्शन देखना है ना भाई, कौन सी ड्रग कहाँ पर और क्या और कैसे असर दिखा रही होती है। तो ये मसल्स ने ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक दोनों असर दिखाया, और स्केलेटल मसल्स पे इसको अपन कहते हैं आयनोटोफोरेटिक एप्लीकेशन। अगर आप ACH किसी मसल के ऊपर दे रहे होते हैं, मसल की एंड प्लेट पर, तो एक्चुअली उसके फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फाइबर कॉज करेगा। इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन अगर आप हाई डोज में दे रहे होते हो, तब ये ट्विचिंग या फैसिकुलेशन का एक्शन दिखाई दे रहा होता है। और अगर आप IV इंजेक्शन इसका दे रहे होते हो, तो इसका कोई असर इसमें नहीं दिखाई दे रहा होता, क्योंकि ACH IVH के IV में देने से तुरंत हाइड्रोलाइज हो जाता है, तो कोई खास असर नहीं दिखाई देता। तो IV का रोल अपन अभी CNS के अंदर देख रहे हैं। आगे देखिए CNS में, तो CNS में इंट्रावेनसली अगर आपने ACH को इंट्रोड्यूस करवाया है, तो ACH सेंट्रल इफेक्ट नहीं दिखाता, क्योंकि एक तो ये BBB यानी ब्लड ब्रेन बैरियर को पूरी तरह से क्रॉस नहीं कर पाता, इसलिए CNS के ऊपर जो है ये अपना असर नहीं दिखा पाता। इसलिए अपने को अगर देना है तो ब्रेन में इसका डायरेक्ट इंजेक्शन देना पड़ेगा, आप IV नहीं दे सकते। हमने कहा IV स्केलेटल मसल में दोगे तो भी असर नहीं दिखाएगा ये अपना। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि इसका रैपिड हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, इसलिए IV नहीं देते। देना है अगर आप तो इंट्रा आर्टरियल इंजेक्शन दोगे तो ट्विचिंग और फैसिकुलेशन हो जाता है। और आयनोफोरेटिक एप्लीकेशन अगर आप ACH के स्केलेटल मसल के एंड प्लेट पर करते हो, तो ये फाइबर का कॉन्ट्रैक्शन कर देता है। CNS में अगर आप IV देते हो, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को पेंट्रेट नहीं कर पाता, इसलिए सेंट्रल इफेक्ट नहीं दिखा पाता है। डायरेक्ट इंजेक्शन ही आपको इसका ब्रेन में देना पड़ेगा, या फिर जो दूसरी कॉलर्जिक ड्रग्स होती हैं वो ब्रेन में एंटर कर सकती हैं, और एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न का स्टिम्युलेशन ये कॉज करती है, जिससे कि डिप्रेशन आ जाता है, तो पर्सन डिप्रेस हो जाएगा। डिप्रेशन कॉज करता है दूसरी तरह के जो कॉलर्जिक एजेंट्स हैं, जैसे कि
दूसरे एजेंट्स में जैसे एसिटाइल कोलिन का मिथाकोलिन, कार्बाकोल, बिथेनेकोल जो अपन ने पढ़े थे, ये सब इन सब की हम बात कर रहे हैं। अब इनमें जो मैंने कहा बेथेनेकोल है उसको अपन थोड़ा सा डिटेल में देखें। देखिए बेथेनेकोल जो है, थोड़ा और छोटा कर लेते ताकि एक साथ दिखाई दे जाए। बेथेनेकोल ये एक सेलेक्टिव मस्कारेनिक एक्शन दिखाता है GIT और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। बेथेनेकोल ड्रग को हम अलग से पढ़ रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, आपको अलग से एक्शन दे रहा है GIT के ऊपर और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, मस्कारेनिक एक्शन दिखाता है, इसलिए इसको अपन पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन या पैरालिटिक इलियस के अंदर काम में लिया जाता है। बेथेनेकोल कहाँ में काम में ले रहे हैं, यूरिनरी रिटेंशन हो रहा हो पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में या पैरालिटिक इलियस हुआ हो तो उसमें अपन ये बेथेनेकोल देते हैं। ये कोलिनोमाइमेटिक एल्केलॉइड्स है क्योंकि ये ACH के एक्शन को मिमिक करता है, मिमिकरी कर रहा होता है, ACH की तरह ये एक्ट कर रहा होता है, जैसे कि पाइलोकार्पाइन, मस्कैराइन, ये मिमिटिक एल्केलॉइड्स हैं। इसके अलावा पाइलोकार्पाइन क्या है, ये एक एल्केलॉइड है जो कि प्री डोमिनेंट मस्कैरेनिक एक्शन दिखा रहा होता है, स्पेशली कहाँ पे, हमारे सेंसरी एक्टिविटीज़ के ऊपर ये अपना एक्शन दिखा रहा होता है। पाइलोकार्पाइन का हम यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं, ये ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के लिए, ये अभी मैंने बताया था थोड़े समय पहले ही कि ये आई में ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में आप इसको टॉपिकली अप्लाई करोगे तो ये काफ़ी काम आ रहा होता है, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह कर रहा होता है। ACH की तरह ये मायोसिस कॉज करता है क्योंकि स्फिंक्टर पिपल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे कि एक्वस ह्यूमर बहुत आसानी से निकल जाता है। ग्लूकोमा में होता है क्या, एक्वस ह्यूमर ही तो एक साथ इकट्ठा हो जाता है, पानी भर जाता है, एक्वस ह्यूमर इकट्ठा हो जाता है आँख के अंदर, जो कि आपको विजुअल डिस्टर्बेंस कॉज करता है। तो एक्वस ह्यूमर को वहाँ से ड्रेन करवा दो, रिमूव करवा दो, तो वो जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। तो उसके लिए हम ये पाइलोकार्पाइन जो है वो टॉपिकली अप्लाई कर रहे होते हैं। ये इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को कम करता है, एक्वस ह्यूमर को ड्रेन करता है और स्फिंक्टर पिपल की कॉन्ट्रैक्शन करता है। ये तेज़ी से एक्ट करता है और इसका एक्शन शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, इसलिए आप इसको बार बार लगाते हैं, इसलिए पाइलोकार्पाइन का ऑक्सर्ट अपन काम में ले रहे होते हैं। अब ये ऑक्सर्ट वर्ड आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं, ऑक्सर्ट क्या होता है, इट इज़ कैप्ट बीनीथ द लोअर आईलिड इन ग्लूकोमा। ग्लूकोमा लोअर आईलिड में रखा जाता है, ये ऐसी ये एक ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। ऑक्सर्ट एक ड्रग डिलीवरी, स्पेशल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है जिससे कि ड्रग जो है बहुत धीरे धीरे स्लोली रिलीज हो रही होती है। एक हफ्ते तक ये अपना अच्छा असर दिखाती है, एक बार सिंगल एप्लीकेशन देने के बावजूद भी ये एक हफ्ते तक अपना असर दिखाती है, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये पाइलोकार्पाइन ही होता है। तो पाइलोकार्पाइन एक ऑक्सर्ट है, तो ऑक्सर्ट दैट रिलीजेस द ड्रग स्लोली ओवर 7 days इज अवेलेबल। 7 दिनों तक, एक हफ्ते तक अपना एक सिंगल डोज दोगे तो भी एक हफ्ते तक ये अपना असर दिखाएगी। दूसरा, इस पाइलोकार्पाइन की क्या खासियत है, इट इज़ यूज टू रिवर्स द पुपिलरी डायलिटेशन आफ्टर रिफ्रैक्शन टेस्टिंग के बाद पुपिलरी डायलिटेशन को रिवर्स करने के लिए, क्योंकि इसका काम तो है कॉन्ट्रैक्ट करने का, तो वो डायलिटेशन अगर हो रहा हो तो उसको रोकने के लिए, उसको रिवर्स करने के लिए अपन पाइलोकार्पाइन नाम की ड्रग जो है वो देते हैं। इसके अलावा ये साइलागोग के रूप में हम काम में लेते हैं। ये एक ऐसी ड्रग है जो कि ऑगमेंट सलाइवरी सीक्रीशन के लिए काम में ली जाती है। कॉशियसली इसको यूज़ करते हैं अपन ओरल रूट के द्वारा। ग्जीरोस्टोमिया किसी को हो गया हो, ग्जीरोस्टोमिया क्या होता है, मुंह का सूखना, क्योंकि सलाइवरी सीक्रीशन कॉज कर रहा है। तो ड्राई माउथ के कोई अगर प्रॉब्लम आपके सामने लेकर के आ रहा है कि डॉक्टर साहब हमारा मुंह सूख रहा है, तो ओरल रूट के थ्रू अपन ये प्रिपरेशन दे सकते हैं। दैट फॉलोज हेड एंड नेक रेडिएशन ट्रीटमेंट। हेड नेक रेडिएशन ट्रीटमेंट के बाद ऐसे अक्सर लोग शिकायत कर रहे होते हैं कि उनको ग्जीरोस्टोमिया हो गया है। इसके बाद एडवर्स इफेक्ट देखिए भाई, कॉलिनर्जिक ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होते हैं, क्या बुरे प्रभाव ये आपके शरीर पर डालता है। तो सलाइवेशन, क्योंकि हमने कहा ना ये पाइलोकार्पाइन वगैरह सलाइवा को कॉज करते, सलाइवेशन होने लग जाएगा। हमने इसका बताया ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के ऊपर अपना असर दिखा रहा होता है, इसलिए सलाइवेशन भी करेगा, स्वेटिंग भी करेगा, ब्रैडीकार्डिया कर देता है।
क्योंकि टैकेकार्डिया का ट्रीटमेंट में अपन दे रहे थे तो ब्रैडीकार्डिया होता है, डायरिया कॉज हो जाता है क्योंकि हमने इसका जीआईटी के ऊपर एक्शन पढ़ा था, स्टूल पास करवा देता है ये, तो अगर ज़्यादा दे दिया आपने तो डायरिया हो जाता है। ब्रोंकोस्पाज़म, इसलिए मैंने कहा था अस्थमा के पेशेंट को नहीं देना चाहिए। और पल्मोनरी एडिमा ये कॉज कर देता है, तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बहुत ज़्यादा सलाइवा मुंह में बनने लग जाता है, बहुत पसीने आने लगते हैं, हार्ट रेट कम हो जाती है, बार बार स्टूल पास यानी डायरिया हो जाता है, ब्रोंकोस्पाज़म, सांस लेने में दिक्कत आती है क्योंकि ब्रोंकाई की मसल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। और पल्मोनरी अडीमा कॉज करेगा आपके जो लंग वाला है, पल्मोनरी जो रीज़न होता है वहाँ पर फ्लूड इकट्ठा हो जाता है। अगर ये ड्रग्स ज़्यादा दे दी गई, इसने अपना एडवर्स इफेक्ट दिखाया, तो वहाँ पे फ्लूड इकट्ठा हो जाता है जिसको आप कहते हैं पल्मोनरी एडीमा। एडीमा एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूड को कहते हैं। ये हमारे तीन जो बॉडी कैविटीज़ हैं, पल्मोनरी कैविटी, प्लूरल कैविटी जिसको आप कह रहे होते हो, प्लूरल, पेरिकार्डियल, पेरिटोनियल, इन कैविटीज़ में फ्लूड का इकट्ठा हो जाना एडीमा कहलाता है। तो इसके साथ आपका जो कॉलिनर्जिक वाला पार्ट है, डायरेक्टली एक्टिंग कॉलिनर्जिक एगोनिस्ट, वो पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया है। आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो एंटी कॉलिनेस्ट्रेज पढ़ेंगे, यानी कॉलिनेस्ट्रेज को इनहिबिट करने वाले एजेंट्स, इनहिबिटर्स हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।